नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में रायपुर छत्तीसगढ़ से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिव्येंदु दे, जो कि बालको मेडिकल सेंटर रायपुर में कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। डॉक्टर दिव्येंदु, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में, जिसके बारे में डॉक्टर दिव्येंदु हमें विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर दिव्येंदु, सबसे पहले मैं आपसे ब्लड कैंसर को ही समझना चाहूंगी कि आखिर ब्लड कैंसर क्या होता है, कैसे आपकी बॉडी पर अटैक करता है। तो ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि अभी बहुत सारे पेशेंट मिल रहा है जिनको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का प्रॉब्लम। तो ब्लड कैंसर जो है ये एक तरह का कैंसर है जो ब्लड के लिए होता है। ब्लड का जो कंपोनेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका कैंसर होता है। तो ये कैंसर स्टार्ट तो होता है बोन मैरो के अंदर, जहाँ से ब्लड बनना शुरू होता है, और उसके बाद ये पूरे ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये है ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया। इसका डिफरेंट टाइप्स होता है, कुछ एक्यूट ल्यूकेमिया है, कुछ क्रॉनिक ल्यूकेमिया है, जो हम आगे बताएंगे। जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया हुआ, एक्यूट ल्यूकेमिया है कि जो बहुत जल्दी शुरू होता है और इवन 3 वीक, इवन 4 वीक बच्चे का प्रॉब्लम होता है, और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बच्चे का डेथ भी हो सकती है। तो ये है एक्यूट ल्यूकेमिया। जबकि क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो है ये थोड़ा सा साइलेंट होता है और बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और आगे जाके इनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। डॉक्टर दिव्येंदु, आपने ये भी बताया कि कैसे ब्लड कैंसर क्या होता है, कैसे आपकी बॉडी पर अटैक करता है, साथ ही आपने इसके प्रकारों को भी समझाने की कोशिश की। हम इसके प्रकारों को ही और विस्तार से समझना चाहेंगे कि क्या प्रकार ब्लड कैंसर के होते हैं, और ये भी बताइए कि क्या अलग अलग प्रकार के अलग अलग ब्लड कैंसर के टाइप के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आगे जल्दी से हम उसे ट्रीटमेंट ना करें तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए इनका सिम्टम जानना बहुत जरूरत है, और इनको सबसे जरूरत होना है कि इनको सिम्टम सही से पहचाने और तुरंत डॉक्टर के पास जाए। जैसे इनमें क्या होता है कि ब्लड में हमारे 3 कॉम्पोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा हीमोग्लोबिन बनता है और उसके जरिए ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर ऑक्सीजन आरबीसी का कमी होता है तो वीकनेस होगा, एनीमिया होगा, खून का कमी होगा, थकापन होगा, और बार बार इंफेक्शन हो सकता है। सिमिलरली जैसे डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, आप जानते हैं ये डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाता है कैंसर के जरिए तो इनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है, और ये ऐसे इन्फेक्शन बुखार, बार बार बुखार होता है। और जो आम ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें भी ये कम नहीं होता है, तो बार बार ट्रीटमेंट करना पड़ता है और बुखार चलता रहता है। तो ये हो सकता है। थर्डली जो प्लेटलेट्स है ये हमारा ब्लड को मोबाइलाइज करते हैं, ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और ब्लड कभी भी अगर कट होता है, कहीं पे ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो ब्लीडिंग को बंद भी करते हैं। लेकिन ये प्लेटलेट की कमी होगा तो इस पेशेंट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो सकता है, जैसे मुंह के अंदर मुस्तूरों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, या फिर अभी कभी भी जी आई ब्लीड हो सकता है, मतलब लैक्टिन के साथ ब्लीडिंग आ सकता है, बदन में छोटा छोटा स्पॉट होता है, रेड स्पॉट हो जाता है, ये सारे हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे पेट थोड़ा सा फूल जाते हैं, उनका लीवर क्लीन बड़ा होता है, उनको यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स आ जाते हैं, जो ग्लैंड्स बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उनको बहुत सारे पेन होता है, बोन पेन होता है, जैसे पीठ में रीढ़ के हड्डी के ऊपर पेन होता है, अपना थाइस में, अपने लेग्स में पेन होता है, तो ये पेन काम नहीं होता है। तो ऐसे लक्षण अगर मिले तो हो सकता है कि व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, और उनके लिए फिर ट्रीटमेंट पहला शुरू करें। इसके अलावा बहुत सारे, बिल्कुल, तो आपको बता रहे हैं हम डॉक्टर दिव्येंदु से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि आज ब्लड कैंसर के बारे में आयुष्मान में आपको खास जानकारी दी जा रही है। सिम्टम्स डॉक्टर दिव्येंदु हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, इसके साथ ही ये सिम्टम्स हैं जो कि ब्लड कैंसर के सामान्य लक्षण के रूप में पाए जाते हैं, और यदि इस तरह के सामान्य लक्षण आपकी बॉडी में भी आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
चाहिए, चकते होना या इस तरह की परेशानियां होना, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है ऐसे में। डॉक्टर दिव्येंदु, आप आगे भी लक्षण के बारे में जानकारी दे रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप आगे इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉमन सिम्टम्स जो होता है, एनीमिया यानी खून का कमी होना, थकापन होना, बार बार बुखार आना, बुखार में जो आम तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें रिस्पॉन्स ना होना, बार बार फिर से बुखार आ जाते हैं, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, मसूड़े से ब्लीडिंग हुआ है, या फिर लाल लाल स्पॉट हो जाता है, या फिर सही पे भी अगर उनका स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, लेप्टिन के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो ये हो सकता है कि ये ब्लड कैंसर का लक्षण है। इसके साथ साथ कभी पेन होता है, बदन पे पेन होता है, रीढ़ के हड्डी में पेन होता है, लेग पेन होता है, या फिर एब्डोमेन डिस्टेंशन हो सकता है, पेट थोड़ा फूल गया, लीवर स्क्रीन बड़ा हो रहा है, या फिर ग्लैंड्स हो रहा है, गांठ में इंफेक्शन हो रहा है, ग्लैंड्स बड़ा हो रहा है, उसमें पेन हो रहा है, तो ये सारे ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इनके लिए जरूर डॉक्टर्स को दिखाए और उसके परामर्श लीजिए और टेस्ट कराना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर दिव्येंदु आपने दी है। ये सामान्य लक्षण बताने की कोशिश की जिन पर शायद जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि बुखार यदि आता है तो सोचते हैं कि शायद वायरल फीवर होगा, हाथ पैर जोड़ों में दर्द होता है, तो उस पर भी सामान्यतः ध्यान देने की कोशिश नहीं की जाती है। उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाथ पैर जोड़ों में दर्द होता है तो सोचते हैं कि शायद उम्र का ही ये कारण हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि यदि ऐसे सिम्टम्स आप में नज़र आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि यदि ब्लड कैंसर की संभावनाएं हो तो समय पर आपको उचित इलाज मिल पाए। डॉक्टर दिव्येंदु, लक्षण आपने बता दिए, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर कारण क्या होते हैं, किस कारण से आपकी बॉडी पर ब्लड कैंसर अटैक करता है, किस तरह की स्थितियां बनती है? तो ब्लड कैंसर का ऐसे तो स्पेसिफिक रीजन बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन एक साथ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि कुछ जेनेटिक चेंजेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के वजह से ही ब्लड कैंसर शुरू होता है। लेकिन ये म्यूटेशन क्यों होता है, कभी कोई कोई पेशेंट में ये फ्रॉम वेरी बर्थ इनका म्यूटेशन रहता है, और कभी कभी ये म्यूटेशन हमारे जो पॉल्यूशन है, हमारा जो जो हैबिट चेंज हुआ है, हमारा जो डायटरी चेंजेस हुआ है, इसके लिए भी हो सकता है। कभी आप इंडस्ट्रियल कुछ एक्सपोजर हो रहा है, टॉक्सिन एक्सपोजर हो रहा है, इसके लिए भी ये म्यूटेशन हो सकता है। और ये एक म्यूटेशन नहीं, कभी कभी देखा गया है कि एक के बाद एक म्यूटेशन जुड़ते हैं। तो शायद बचपन में कुछ एक म्यूटेशन आया, उसके बाद 10 ईयर्स में और कुछ म्यूटेशन आया है, और ऐसे करते करते जब 50 ईयर्स 60 ईयर्स हो जाते हैं तो इतने सारे म्यूटेशन आते हैं कि ये म्यूटेशन से आगे जाके कैंसर में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ब्लड कैंसर का मेन रीजन तो यही है। इसके अलावा कभी कभी कुछ कुछ इन्फेक्शन है, जैसे टीबी वायरस इन्फेक्शन, सीएमवी इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के लिए, एचआईवी इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन के लिए भी कभी कभी ब्लड कैंसर आते हैं। डॉक्टर दिव्येंदु, क्या लाइफस्टाइल भी इस पर इफेक्ट करती है? क्या हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी सुधार करने की जरूरत है? ये जानकारी जरूर जी। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो ब्लड कैंसर पहले जैसा था उससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका एक तो वजह यही है कि हमारा जो टॉक्सिन एक्सपोजर या फिर पॉल्यूशन एक्सपोजर, ये सब ज्यादा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है उसके लिए भी असर पड़ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है, जैसे फूड हैबिट का चेंज हुआ है, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक डीएलबीसीएल, गैस्ट्रिक लिम्फोमा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे ही हमारा जैसे टॉक्सिन एक्सपोजर हो रहा है, जैसे देखा गया है कि जहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ पे जब प्रॉब्लम होता है, न्यूक्लियर एक्सपोजिशन हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट को लिकेमिया होता है, जैसे चेचनी में या फिर जापान का हिरोशिमा के बाद, हिरोशिमा घटना के बाद जो वहाँ पे पॉल्यूशन एक्सपोजर हुआ, न्यूक्लियर एक्सपोजर हुआ, उसके लिए वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया कि ल्यूकेमिया हो रहा है। तो ये तो एक तरह का एक्सपोजर है जिसमें ल्यूकेमिया होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें अपना हैबिट में, अपना खान पान में, अपना थोड़ा सा मॉडिफाइड लाइफस्टाइल लीड करें और नेचुरल लाइफस्टाइल लीड करें, नेचुरल खाना ले लिया जाए, तो शायद ये सारे चेंजेस कम हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर दिव्येंदु दी है। तो आप ये समझिए
कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों को आप खुद न्योता दे रहे हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि आप इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी रखें। डॉक्टर, मैं आपसे आगे समझना चाहूँगी, क्योंकि ब्लड कैंसर को गंभीर बीमारी के रूप में देखा जाता है, क्या ये बच्चों को भी इफेक्ट करता है, या कोई एक निश्चित आयु वर्ग होती है जिस पर ब्लड कैंसर अटैक करता है? ब्लड कैंसर का डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट एज ग्रुप में होता है। तो कुछ एक्यूट ल्यूकेमिया है, जैसे बी सेल एक्यूट ल्यूकेमिया या टी सेल एक्यूट ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ये सारे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक्चुअली बच्चों के जो ब्लड बच्चों में जो कैंसर होता है उसमें मैक्सिमम तौर पे ये ब्लड कैंसर ही मिलता है। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि जो बच्चों का ब्लड कैंसर है वो बहुत ट्रीटेबल है, और उसमें 90-95% चांस है कि कॉम्प्लीट क्योर हो सकता है अगर उनका जल्दी से ट्रीटमेंट किया जाए। तो वैसे ही जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, MDS है, या फिर मल्टीपल मायलोमा है, ये एडल्ट में या एल्डरली पर्सन में पाया जाता है, 60 ईयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा मिलता है। वैसे ही लिम्फोमा है, ये सभी एज ग्रुप में मिलता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया आर देयर जो डिफरेंट एज ग्रुप को असर करता है, लेकिन बच्चों में भी ये ल्यूकेमिया हो सकता है, इसके लिए भी हमें जागरूक होना चाहिए। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में ल्यूकेमिया ज्यादातर अच्छा हो जाता है, और 90-95% चांस है कॉम्प्लीट क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आगे ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, क्योंकि आपने खुद ये बताया है कि एज ग्रुप बहुत मैटर करता है ब्लड कैंसर में, तो क्या अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से ट्रीटमेंट भी उनका अलग अलग होता है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं इस दौरान? तो ट्रीटमेंट जो है, पहले तो है डायग्नोसिस, ये ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्नोसिस के लिए हम लोग जो टेस्ट यूज करते हैं मोस्टली, दैट इज बोन मैरो स्टडी। ये बोन मैरो स्टडी सुन के बहुत लोग घबरा जाते हैं कि कितना बड़ा सा कुछ स्टडी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोन मैरो स्टडी जो है ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, आउटडोर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसमें हम लोग कोई एनेस्थेसिया भी नहीं दिया जाता है, एक लोकल एनेस्थेसिया दे के इनका टेस्ट होता है, विद इन 2 मिनट वी कैन कम्प्लीट द टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट के साथ साथ हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो इसके साथ साथ ना तो सिर्फ लाइफ दिखा जाता है, उसके साथ इनका फ्लो साइटोमेट्रिक टेस्ट होता है, इनका साइकोजेनेटिक जेनेटिक टेस्ट होता है, इनका PCR टेस्ट होता है, इनका फिट टेस्ट होता है, कभी कभी इनका होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो सकता है। तो ये सारे टेस्ट वही एक प्रोसीजर से हो जाता है। तो एक बार बोन मैरो का टेस्ट हुआ तो सारे टेस्ट हम लोग एक के साथ एक सैंपल से कर लेते हैं और कम्प्लीट डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसलिए बोन मैरो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली डायग्नोसिस, और ये टेस्ट से हम लोग को सब कुछ पता चल जाता है। सेकेंडली, जब कहीं किसी पेशेंट को अगर कैंसर मिला, ल्यूकेमिया मिला, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये जो ट्रीटमेंट है मोस्टली केमोथेरेपी होता है। जब केमोथेरेपी जो है ये एक्चुअली कुछ इंजेक्शन है, हाई डोज इंजेक्शन है, जो सेलाइन के थ्रू अपने नस में दिया जाता है। तो बच्चे के नस में ये सारे इंजेक्शन चलता है। तो इसमें और कुछ नहीं है, कोई सर्जरी नहीं होता है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कोई रेडिएशन से जरूरत नहीं पड़ता है आमतौर में, सिर्फ केमोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो लेकिन ये केमोथेरेपी बहुत से डिफरेंट रेजिमेंट है, और ये केमोथेरेपी बहुत लंबा चलता है, कभी कभी 4 महीने से 6 महीने का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो लेकिन ये केमोथेरेपी पूरा कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये डिजीज फिर से वापस आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कीजिए और ट्रीटमेंट को पूरा कीजिए, बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देने से ये बीमारी फिर से वापस आ सकता है। बिल्कुल, और उसके लिए ज़रूरी है कि समय पर डॉक्टर से बातचीत की जाए, समय पर उचित इलाज मिल सके, ताकि जब इलाज शुरू हो तो एक निश्चित समय तक वो चल सके, और तुरंत से तुरंत जो ब्लड कैंसर है आपकी बॉडी से उसको डॉक्टर निकाल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो बातें इस वक्त डॉक्टर दिव्येंदु आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर दिव्येंदु, आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इम्यूनोथेरेपी आखिर क्या है, ये इसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। जब ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो इनिशियली सिर्फ केमोथेरेपी ही यूज हुआ था ये ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस फोकस करते जा रहे हैं तो हम लोग चेंज कर रहे हैं कि ये केमोथेरेपी जो है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो टॉक्सिसिटी होते हैं, उसको कैसे कम किया जाए। तो इसी हिसाब से स्टार्ट हुआ है कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। ये जो इम्यूनोथेरेपी है, जैसे अभी सबको पता है कि जो हमारा कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है,
इस कोविड में हम लोग कुछ वैक्सीन दे रहे हैं जो कि कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है उसके एगेंस्ट में काम करते हैं और ये वैक्सीन कोविड को हरा सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे कैंसर के लिए भी ये ऐसे यूज हो सकता है, लेकिन कैंसर में प्रॉब्लम यही है कि इनमें ऐसे कोई एंटीबॉडी नहीं है जो कैंसर को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए कुछ इंजेक्शन देते हैं, एंटीबॉडी देते हैं बाहर से तैयार करके, जो एंटीबॉडी ये कीमोथेरेपी के साथ मिलके ये कैंसर को बंद कर सकते हैं। तो इसीलिए इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसे मेडिसिन है, ऐसे इंजेक्शन है जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ये इम्यूनिटी को कैंसर के अगेंस्ट में काम करने के लिए हेल्प करता है और इस इम्यूनिटी के थ्रू ये कैंसर को बंद करते हैं। तो इसीलिए इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये होल बॉडी के इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ कैंसर के ऊपर ही इसका इफेक्ट रहता है। इसके साथ साथ कुछ नया मेडिसिन आया है टारगेटेड थेरेपी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, वो ऐसे कोई बड़ा इंजेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये इतना टारगेटेड है, इतना प्रिसाइज है कि ये ओनली कैंसर सेल्स को सुन के मारते हैं। तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है लेकिन कैंसर को बहुत कम कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी के बारे में आप बता रहे हैं डॉक्टर देवेंदु, तो क्या ये जिसे भी ब्लड कैंसर होता है, चाहे हम एज ग्रुप की बात करें, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, क्या सभी के लिए कारगर साबित होता है? हाँ, ये इम्यूनोथेरेपी कैन बी यूज फॉर एवरी पर्सन। इम्यूनोथेरेपी की बहुत डिफरेंट टाइप्स है, जिसके जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन है, डिफरेंट उनका एज ग्रुप है, उनका फिटनेस डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से हम इम्यूनोथेरेपी चूज करते हैं। तो जैसे जैसे डिफरेंट कैंसर है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी की यूज होता है। बिल्कुल सर, इम्यूनोथेरेपी के बारे में तो हमने समझ लिया, लेकिन स्टेम सेल के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आखिर क्या है? तो ये जो ब्लड कैंसर है, ये ब्लड कैंसर का एक आखिर का फेज ट्रीटमेंट होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो प्रीवियसली क्या कहा जाता है, ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक्चुअली ऐसे ट्रीटमेंट है जो अल्टीमेटली पेशेंट्स को कम्प्लीटली ल्यूकेमिया फ्री या कैंसर फ्री कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सभी के लिए जरूरी नहीं होता है। जो पेशेंट, दो तरह का डिफरेंट टाइप्स होता है, एक है कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, दूसरा है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट मीन्स पेशेंट का खुद का जो स्टेम सेल्स है, उस स्टेम सेल्स को लेके पेशेंट को खुद को ही दिया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो पेशेंट्स को कुछ केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी मिलेगा, उसके बाद उनका खुद का स्टेम सेल्स उनको फिर से दिया जाएगा। तो इसमें रिस्क भी ज्यादा नहीं है और इसी ट्रीटमेंट से माइलोमा या लिम्फोमा जैसे ल्यूकेमिया कैंसर को हम लोग कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। दूसरा है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट मीन कि किसी दूसरे डोनर से स्टेम सेल्स को लेके पेशेंट्स को दिया जाए। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टॉक्सिसिटी ज्यादा होता है, थोड़ा सा लेंथ ऑफ स्टे ज्यादा होता है, लेकिन इसमें भी ट्रीटमेंट में कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, स्पेशली ल्यूकेमिया पेशेंट्स के लिए एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फा ल्यूकेमिया में यूज हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डोनर मिलना, क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जब डोनर से लिया जाता है तो उनका मैच होना जरूरी है। जैसे हम लोग ब्लड का ब्लड ग्रुप मैच करते हैं ब्लड देने के पहले, वैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में भी एक स्टेम सेल का ग्रुप होता है एचएलए टाइप, उसको मैच होना बहुत जरूरी है। और ये मैच सबसे ज्यादा मिलता है अगर किसी का भाई बहन है तो सबसे ज्यादा मिलता है, अगर किसी का जुड़वा भाई है, ट्विंस है, तो उनमें तो कम्प्लीटली मैच होता है। अगर ट्विंस नहीं भी है फिर भी 25% चांस रहता है कि उसमें मैच मिल सकता है। अगर मैच होता है तो उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल, आगे आप बढ़ेंगे डॉक्टर देवेंदु। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, बालको कैंसर अस्पताल में ब्लड कैंसर के लिए किस तरह का उपचार किया जाता है, क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं? बालको कैंसर हॉस्पिटल जो नया रायपुर में है, ये एक कैंसर हॉस्पिटल है, वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रीटमेंट का हर फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, केमोथेरेपी डिपार्टमेंट है, सर्जिकल ऑंकोलॉजी डिपार्टमेंट है, इम्यूनोथेरेपी है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का भी सुविधा है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक है, यहाँ पे प्लाज्मा पेरेसिस, ल्यूकोपेरेसिस, ऐसे सारे ट्रीटमेंट किया जाता है। और यहाँ पे स्पेशली पेडियाट्रिक ब्लड कैंसर के लिए, बच्चों के ब्लड कैंसर के लिए भी सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो पेडियाट्रिक ऑंकोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे ब्लड कैंसर के, बच्चों का ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है, यहाँ पे हम लोग खुद फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री सारे टेस्ट कर रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग डायग्नोसिस भी यहाँ पे इन हाउस होता है। तो अब पेशेंट जब आते हैं तो उनका टेस्ट उसी दिन ओपीडी में होता है और नेक्स्ट डे के उदिन 24 आवर्स वी कैन गेट अ डायग्नोसिस एंड वी कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट।
तो यहाँ पे आके कैंसर के सारे ट्रीटमेंट मिल सकता है। बिल्कुल, बालको कैंसर अस्पताल में कैंसर के सारे ट्रीटमेंट मौजूद हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो समय पर उचित इलाज करते हैं। डॉक्टर, मैं आगे आपसे इसी के बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर बालको कैंसर अस्पताल में कौन कौन से रक्त विकार का इलाज किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? बालको कैंसर हॉस्पिटल में एक्चुअली अलग से डिफरेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड एडल्ट हेमेटोलॉजी बोथ आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्लड कैंसर जो बच्चों में पाया जाता है, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, बी सेल ल्यूकेमिया, टी सेल ल्यूकेमिया, माइलर ल्यूकेमिया, ये सारे ट्रीटमेंट हो रहा है। वैसे ही एडल्ट का भी जैसे ल्यूकेमिया हुआ, लिम्फोमा या मल्टीपल मायलोमा, ये सारे ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सेकेंडली, जो हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है ये सिर्फ कैंसर का नहीं, सारे ब्लड ग्रुप का, ब्लड का जो भी प्रॉब्लम है उनको ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कोई एनीमिया का पेशेंट हो जिनको बार बार एनीमिया हो रहा है, खून का कमी हो रहा है, उसका कारण पता नहीं चल रहा है और ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, ये सारे पेशेंट्स को भी हम लोग देखते हैं। इनमें कोई अगर एप्लेप्सी एनीमिया मिला या मायलोडिस्ट्रोफिक सिंड्रोम होता है या फिर थैलेसेमिया की सिकल सेल एनीमिया होता है। हमारे यहाँ पे सिकल सेल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट्स को सिकल पेशेंट्स हैं, तो ये सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ ही में अगर कोई ब्लीडिंग का कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकल के जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो नॉट ओनली कि कैंसर है, इसके लिए नहीं, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप बालको कैंसर हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दिव्येंदु, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मरीज कैंसर से रिकवर कर रहे हैं उन्हें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह से होनी चाहिए? सेल ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग स्टेम सेल यूनिट जो बनाते हैं वो एक तरह का, जैसे अभी बहुत सारी जगह में कोविड के कोरोना का यूनिट बन रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट यूनिट होता है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी बाहर का कोई इन्फेक्शन ना आए। तो उसके लिए बैरियर नर्सिंग किया जाता है, उनको पूरा आइसोलेशन किया जाता है, उनको फेस मास्क, गाउन, ग्लव्स, ये सारे दिया जाता है और उनको वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। पोस्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं उसके बाद पहला 3 महीने जो टाइम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब पेशेंट्स का इम्यूनिटी बहुत कम होता है और उनको हर किस तरीके का इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो इस टाइम पे जब पेशेंट घर में रहते हैं तो हम कहते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और प्रिवेंशन करना चाहिए, स्पेशली इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो उनको पूरा साफ सुथरा रहना है, हाथ धोना है, मुंह के अंदर साफ करना है, गर्गल करना है, उनको टीथ ब्रश लेना है, उनको बाउल क्लियरेंस करना है। और इसके साथ साथ जैसे अभी सबको पता है कि हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सारे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो सिर्फ पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट्स के पास कोई विजिटर्स आ रहे हैं, उन विजिटर्स पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी पेशेंट में पास हो सकता है। सेकेंडली, जैसे ट्रांसप्लांट होते हैं तो इसमें क्या होता है, पूरा बोन मैरो चेंज हो जाता है, तो पूरा इम्यूनिटी सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो हम लोग जो प्रीवियसली जो वैक्सीन दिया जाता है बचपन में, इतने सारे वैक्सीन मिलते हैं, ये सारे वैक्सीन जो हमसे प्रोटेक्शन देते हैं ये प्रोटेक्शन से खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग इनको दोबारा पूरी फुल वैक्सीनेशन करवाते हैं ताकि इनको फिर से दोबारा ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल जाए। इसके साथ साथ इनको स्पेशल प्रॉब्लम होता है जीपीएचसी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट, जो पेशेंट्स का इम्यूनिटी को बहुत खोखला कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, इनके लिए बहुत सारे मेडिसिन चलता है और ये मेडिसिन 2 साल तक चल सकता है। तो इनके लिए भी हमें बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है, इनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उनको लिए भी हमें देखना पड़ता है। तो रेगुलरली फिजिकल हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है, एवरी 2 मंथ्स एवरी 3 मंथ्स आना पड़ता है और रेगुलर ब्लड टेस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स पेशेंट जनरली गोज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल, तो ब्लड कैंसर के बारे में आज हमने बात की है और डॉक्टर दिव्येंदु, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि ब्लड कैंसर आखिर क्या है और जो सामान्य लक्षण हैं जिन पर घरों में ध्यान देने की ज़रूरत है, उन लक्षणों पर ध्यान देकर आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्येंदु ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए और ब्लड कैंसर को इतने विस्तार से समझाने के लिए। तो आज डॉक्टर दिव्येंदु ने हमारे साथ ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के बारे में कई जानकारियां साझा की जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जानना जरूरी थी। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना
ख्याल रखें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और जानेंगे उसके उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।